हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ दीप्ति। आज मैं आपके लिए फिर से सलगम की एक नई रेसिपी लेके आई हूँ जिसे मैंने बिल्कुल नए तरीके से बनाया है। तो फिर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और इससे पहले भी मैंने सलगम की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस रेसिपी को भी देखना आप बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर चलिए सलगम की सब्ज़ी को बनाना शुरू करते हैं। सलगम की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के सलगम ले लिए हैं और ये 350 ग्राम है। और सब्जी बनाने के लिए हमें एकदम फ्रेश सलगम ही चाहिए होंगे, तो सबसे पहले हम अपनी सलगम को छील के तैयार कर लेते हैं। तो आज जो मैं सलगम की सब्जी बनाने जा रही हूँ ये बिल्कुल नए तरीके की और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपनी तीनों सलगम को छील के तैयार कर लिया है, तो अब हम अपनी सलगम को काट लेते हैं। तो इसके जो पीस हैं वो आप अपनी पसंद के अनुसार काट सकते हैं, जैसे भी पीस आपको पसंद हो। और यहाँ पे देखिए मैं कुछ इस तरीके से सलगम को काट के तैयार कर लेती हूँ। सलगम को काटने के बाद हम उसे तुरंत ही पानी में डाल के रख देंगे, इससे हमारी सलगम अच्छे से धुल भी जाएगी। सलगम को कर लिया है मैंने काट के तैयार, तो चलिए देख लेते हैं कि हमें ग्रेवी के लिए क्या क्या चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लेंगे और उसके साथ ही 4 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लेंगे, 3 छोटी हरी मिर्च ले लेंगे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लेंगे और लगभग 5 लहसुन की कलियां ले लेंगे। तो प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया है और टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है और हरी मिर्च को भी मैंने बारीक कट कर लिया है और अदरक और लहसुन को ही साथ में हम कूट के तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी सलगम को फ्राई करके तैयार करेंगे। तो मैंने कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल ले लिया है और जैसे ही तेल में से अच्छे से हीट आने लगे यानी कि हमारा तेल गर्म हो चुका है, तो गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और तेल में हम सारी कटी हुई सलगम को ऐड कर देंगे। तो सलगम को हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, मीडियम फ्लेम पे हम लगातार चलाते हुए अपनी सलगम को लगभग 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। 4 से 5 मिनट फ्राई करने के बाद ये देखिए हमारी सलगम पे हल्का सा लाइट ब्राउन कलर आ गया है। इससे ज़्यादा हमें अपनी सलगम को फ्राई नहीं करना है और इस तरीके से जो सलगम की सब्ज़ी है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो तेल में से हम अपनी सारी सलगम बाहर निकाल लेते हैं। सलगम की सब्ज़ी बनाने के लिए हम थोड़े से खड़े मसाले ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 तेज़पात का पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1/4 टीस्पून हींग और 1 छोटा चम्मच जीरा और उसके साथ ही हम थोड़े से काली मिर्च ले लेंगे लगभग 4 से 5 और 2 पीस हमने यहाँ पे लौंग ली है। तो जिस तेल में मैंने सलगम को फ्राई किया तो उसी में से मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल ले लिया है और जैसे ही तेल गर्म हो जाता है डाल देंगे इसमें हम जीरा और जीरा को हम अच्छे से चटका लेते हैं और उसके बाद हम बचे हुए सारे खड़े मसाले डाल देते हैं और उसके साथ ही मैं इसमें हींग भी ऐड कर देती हूँ। और अब हम अपने सारे मसालों को लगभग 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे और जैसे ही हमारे मसाले अच्छे से भुन जाते हैं तभी हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज भी ऐड कर देते हैं और उसके साथ मैं इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर देती हूँ। और प्याज और हरी मिर्च को हम लगातार चलाते हुए लगभग 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका देंगे, जब तक कि ये हल्के से लाइट ब्राउन कलर के नहीं हो जाते हैं। तब तक हम थोड़े से पिसे हुए मसाले ले लेते हैं। तो सबसे पहले 2 बड़े चम्मच हम धनिया पाउडर ले लेंगे और उसके साथ ही 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ले लेंगे और उसके बाद 1 छोटा चम्मच सब्जी मसाला ले लेंगे और उसके बाद 1/2 बड़ा चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च ले लेते हैं और उसके बाद हम अपने सारे मसाले में थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसका हम पतला घोल बना के तैयार कर लेते हैं। तो सारे जो मसाले हैं उन्हें हम अच्छे से पानी में मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे देखिए हमारा जो प्याज है ये भी अच्छे से ब्राउन कलर का हो गया है और अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देते हैं और उसे भी हम अच्छे से पका लेते हैं और उसके बाद ही हम अपने मसाले का घोल अपनी कढ़ाई में ऐड करेंगे। तो लगभग 1 मिनट के लिए हम अपने जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी भून लेते हैं। तो ये देखिए हमारा जो पेस्ट है ये भी काफ़ी अच्छे से भून चुका है। तो चलिए अब हम इसमें अपने मसाले का घोल डाल देते हैं। तो इस तरीके से अगर आप सलगम की सब्ज़ी में
मसाले पानी में घोल के डालेंगे तो आपकी जो सब्ज़ी है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी, क्योंकि हमारे जो मसाले हैं ये अच्छे से भुन जाते हैं और बिल्कुल भी जलते नहीं हैं, तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाता है इनका हमारी ग्रेवी में। तो ये देखिए, मसाले को मैंने लगभग 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लिया है, और जब तक आपके मसाले में अच्छे से ऑयल सेपरेट नहीं होने लगे तब तक आप उन्हें लगातार चलाते हुए भूनिएगा ज़रूर। तो अब हम इसमें अपने पिसे हुए टमाटर ऐड कर देते हैं, और टमाटर के साथ हमें अपनी ग्रेवी को लगभग फिर से 3 से 4 मिनट के लिए पकाना होगा, जब तक कि टमाटर का जो भी पानी है वो पूरी तरीके से जल नहीं जाता है। तो लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। तो ये देखिए, मीडियम फ्लेम पे मैंने टमाटर को भी अच्छे से पका लिया है, और टमाटर का जो भी पानी था वो पूरी तरीके से जल गया है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, और हमारी ग्रेवी बनके अब एकदम तैयार हो गई है। तो अब मैं ग्रेवी में लगभग 1.5 कप पानी ऐड कर देती हूँ। पानी को आप थोड़ा सा कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपनी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी के हिसाब से। और अब हम अपनी ग्रेवी को मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे जब तक कि एक बॉयल नहीं आने लगे। तो बॉयल आने लगा है, और अब हम इसमें अपने फ्राई किए हुए शलगम ऐड कर देते हैं। तो सारे शलगम हम अपनी ग्रेवी में डाल देंगे, और उसके बाद हम इसे मिक्स कर लेते हैं। और इसके बाद मैं डाल देती हूँ नमक, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और अब हम अपने सब्जी को फिर से एक बार पका लेते हैं लगभग 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, और इसे हम कवर कर देंगे। तो 5 से 7 मिनट हो गए हैं, और अब देखिए हमारी शलगम की एकदम चटपटी सब्जी बनके तैयार है। ग्रेवी में ऊपर ऑयल आ चुका है, यानी कि हमारी सब्जी अब अच्छे से पक चुकी है। तो आज जो मैं ये शलगम की सब्जी बना रही हूँ, ये एकदम सूखी सब्जी नहीं बनती है, इसमें हल्का सा रसा रहता है। तो इसी तरीके की कंसिस्टेंसी हम अपनी शलगम की सब्जी में रखते हैं। तो अब मैं इसको और ज़्यादा नहीं पकाना चाहती हूँ, पर अगर आप इसको थोड़ा सा और पकाना चाहें तो आप इसे पका सकते हैं। तो अब मैं इसमें लास्ट में मिला देती हूँ लगभग 1 बड़ा चम्मच रोस्ट की हुई कसूरी मेथी, और इसे हम इस तरीके से अपने हाथों से मसल के मिक्स करके डाल देंगे। इससे ये अच्छे से सब्जी में मिक्स हो जाती है। और उसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, और ये दोनों चीज़ें हमारी सब्जी में एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देंगी। और अब हम अपनी सब्जी को और नहीं पकाएंगे, और मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ, और उसके बाद सब्जी को कवर करके लगभग 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए, शलगम की चटपटी सब्जी बनके तैयार है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मेरे चैनल दीप्ति मिश्रा किचन को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।